हेलो गाइस एंड वेरी वेलकम टू द न्यू वीडियो पुरनिया। तो दोस्तों आज मैं आया हूँ बर्गर कवर करने के लिए, वो भी बहुत ही ज़्यादा यूनिक और डिफरेंट टेस्ट वाले। ऑब्वियसली जिस शॉप पे मैं आया हूँ वो शॉप आपने पहले भी देख रखी है, दो तीन अच्छे फूड ब्लॉगर्स ने दिल्ली के कवर कर रखी है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं हम लोग आए हैं spicy.com पे। अब जब मैं आपसे कह रहा हूँ हम लोग आए हैं तो हम लोग से मेरा मतलब है कि आज मेरे साथ रिव्यू करने वाला है मेरा ब्रदर कृष्णा। कृष्णा भाई आ जाओ। सो ये रहे हमारे जैसे कहने की जान ऑफ द शो, दैट इज कृष्णा। तो आज मैं और कृष्णा बर्गर्स का रिव्यू करेंगे और हमारी कैमरामैन के तौर पर जो काम करेंगी वो है हमारी सिस्टर, दैट इज विभूति। सो आइए चलते हैं, बर्गर्स बनते हुए दिखाते हैं, कस्टमर से बात करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद आपको बताएंगे कि बर्गर्स का टेस्ट कैसा है। ठीक है कृष्णा भाई? हाँ। चलो दोस्तों हम लोग अपने बनवा रहे हैं चार डिफरेंट टाइप के बर्गर और दो कस्टमर्स के बन रहे हैं। ये कस्टमर्स वाले जा रहे हैं, मेरे सबके जा रहे हैं, मिक्स जा रहे हैं। तो टोटल 6 पाव जाएंगे, राइट? हाँ। तो यहाँ पे पाव भी तले जाते हैं। अच्छा भाई, जैसे पाव सिंगल साइड से तले जाते हैं, 80% ऑयल कम होता है, एक तरह से फ्राई होते भी नॉन फ्राई है ये। बढ़िया सर, बढ़िया। तो सर हम लोग जो चार बर्गर खाने वाले हैं, एक बार आप थोड़ा सा उनके बारे में बताएंगे कौन कौन से खाने वाले हैं। क्वेश्चन दे रहा हूँ सर, हल्का फुल्का दे रहा हूँ और अच्छा खासा दे रहा हूँ। वैसे हमारे पास चार तरह के अलग अलग तरह के होते हैं, हल्का फुल्का, अच्छा खासा और भयंकर और नॉन स्पाइसी। जिसके हिसाब से टेस्ट चाहिए उसके हिसाब से बना देते। तो जैसे हम लोग अच्छा खासा खा रहे हैं और अभी आपको हल्का फुल्का और अच्छा खासा दे रहा हूँ। ठीक है। जैसे हल्के फुल्के में टिक्का शेजवान है, चुपोटले है, शाही पनीर है, अच्छा खासा खाते हैं तो पैरी पैरी है, चीज के अंदर और कढ़ाई है। ठीक है। तो टेस्ट के हिसाब से सबका है। कौन कौन से चार फ्लेवर्स हैं यहाँ पे? आपको अभी मैं दे रहा हूँ टिक्का शेजवान, शाही पनीर, कढ़ाई और पैरी पैरी। बढ़िया सर। तो दोस्तों ये हमारे जो पाव है वो ऑलरेडी एक तरफ से फ्राई हो चुके हैं और ये मैं शायद पहली जगह पे देख रहा हूँ जहाँ पे बन फ्राई हो रहे हैं, बट सिर्फ एक जगह एक तरफ से, अदरवाइज दोनों तरफ से किए जाते हैं। हमारी पनीर पैटी है, टोटली होममेड है। सर एक क्लोजअप दिखाएंगे एक पनीर पैटी का थोड़ा सा। ये तो देखिए आप दोस्तों, क्या मोटी सी पनीर पैटी है ये हमारी, काफी अच्छी। डाल दीजिए सर, ये होममेड है। अच्छा ये होममेड है। तो इसमें आपने ब्रेड क्रम्स लगा के इसको वो कर रखा है। बढ़िया। और ये हमारे बर्गर सब कट हो रहे हैं, इसके बीच में सब कुछ जाने वाला है। और भैया ने यहाँ पे मैं एक बार साइड में दिखाऊंगा, पहले से ही वेजिटेबल्स को थोड़ा चॉप करके रखा हुआ है। और ये है हमारे भैया की spicy.com की बेसिकली डिफरेंट टाइप की सॉसेस, 14 तरह की। अरे भाई 3, 6, 9, 12, मुझे 15 लग रही है। अच्छा। नहीं वैसे तो 16-17 है, आगे 14 तरह की लिखे से 14 ही बताते हैं। अच्छा अच्छा। वैसे तो सॉसेस अलग अलग चट करते रहते हैं थोड़ा बहुत। तो बढ़िया बढ़िया, ग्रेट। ये गई, ये नॉर्मल केचप है, ये टोमेटो केचप है। ठीक। ये धनिया पुदीना और चिली। इसका कलर इतना लाजवाब है, ग्रीन कलर की एक अलग ही फीलिंग आ रही है। अनियन। अच्छा बेसिक्स जो है मतलब बर्गर के वो सेम है नियरली सब में। ये क्या हमारा कैबेज। ये जा रही है हमारी लाजवाब सी पैटी। आप देख सकते हैं कैसी गोल्डन ब्राउन दिख रही है वो, और अभी उन्हें गोल्डन ब्राउन किया जाएगा थोड़ा सा। बढ़िया। हमारे यहाँ सीधा हिसाब है क्या, जैसे आप ऑयल देख रहे हैं? जी सर। सीधा हिसाब है कि जो मर्जी हो जाए 2 दिन के अंदर ऑयल चेंज होना। अच्छा, ये रूल बना रखा है। बढ़िया सर, ये अच्छी बात है। मतलब मैंने देखा क्योंकि अगर हम किसी स्टॉल पे खाते हैं मोबाइल पे, तो वहाँ पे क्या करते हैं वो 10-15 दिन लगे पड़े हैं, चलाते रहते हैं, डालते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, 2 दिन के अंदर ऑयल चेंज होना होना है, चाहे जितना मर्जी 2 दिन में डालाओ। बढ़िया सर, सीधा हिसाब। और ये सबसे अच्छी बात है कि आप इसे पब्लिकली बता रहे हैं, वरना लोग बताते नहीं है, छुपा के रखते हैं। सामने है। तो दोस्तों ये आप देखिए क्लोजअप हमारे बर्गर्स का, जो अभी तक बेसिक प्रिपरेशन हुआ है। और स्पाइसी कैसा लेंगे सर? जैसे अगर किसी को नॉनवेज खाना हो, टिक्का शेजवान, चुपोटले और शाही पनीर, अगर किसी को नॉनवेज खाना हो तो उनकी टिक्की भी इस वेज वाले में तली जाती है? अच्छा, नॉनवेज की अलग है, वेज की अलग है। अच्छा, दोनों की कढ़ाई अलग है। लेफ्ट वाला है दोस्तों वो है हमारा नॉनवेज, विच इज अ गुड थिंग। पूरी कोशिश करते हैं जितना ज्यादा हो सके ऑयल साफ करने तक का अलग रखा हुआ दोनों का। बढ़िया सर। जैसे अब ये जो डिफरेंशिएट होगा बिल्कुल इनके बेस बर्गर्स में, वो सॉसेस के बेसिस पे होगा, राइट? पैटी सबकी सेम होती है, पैटी सबकी सेम। सर आप बताते हुए चलिए कौन कौन से। टिक्का फ्लेवर है, ये टिक्का फ्लेवर है। बढ़िया। इसके ऊपर हल्का सा शेजवान का टच, शेजवान। ओके ठीक है जी। जी सर। उसके बाद मैं आपको दे रहा हूँ
शाही पनीर। ओके, तो ये सॉस जो है शाही पनीर सॉस है, शाही पनीर का मजा आएगा इसमें पूरा गारंटी से। अरे वाह, ये हमारी कढ़ाई पनीर। बढ़िया सर, ये है पैरी पैरी। ये पैरी, अच्छा ये और वो नियरली सेम लग रही है, पहली ये वाली और पहली वाली, बट कलर थोड़ा डिफरेंस है। मेन टेस्ट का डिफरेंस है 100% अलग है। ये मसाला किस चीज का है सर? ये ओरिगैनो और साथ में एक दो मसाले और हैं। बाकी इसको बड़े मसाला चाट मसाला डाला है, वो भी अलग अलग दो तीन मसाले मिक्स। सर इसे बंद मत करिएगा, मैं एक पिक लेना चाहूंगा। ये हो गया है क्या? बंद होगा राइट? स्पाइसी हल्का फुल्का अच्छा खासा आपका सर, हल्का फुल्का। ठीक दोस्तों, अब मैं एक फोटो ले लेता हूँ। अच्छा सर, अभी हाँ जो और दो कस्टमर्स हैं उनके भी बन रहे हैं, उनको भी बनते हुए देख लेते हैं दोस्तों एक बार। ये कौन सी सॉस थी सर? ये अपना शाही पनीर दी, ये दूसरी दे रहे उनको चिपोटले। अच्छा ओके, चिपोटले भी बन रही है दोस्तों। सो आइए इसका एक पिक लेते हैं। लेने भाई एक पिक? बिल्कुल ले लीजिए। ओके तो दोस्तों, बर्गर हमारे तैयार हो गए हैं, अब भैया बस पैकिंग करेंगे यहाँ पे। ओके, और पैकिंग यहाँ बटर पेपर में होती है आपकी प्रॉपर? ये जिससे किसी ने खाना तो हाफ है। अच्छा बढ़िया, और ये कौन सा फ्लेवर है? ये टिक्का शेजवान। ये है हमारा टिक्का शेजवान। मैं पूरा रफ कर दूंगा। हाँ पूरे कर दीजिए आप, दिक्कत हो जाएगी आपको। जी जी जी, तो दोस्तों हम पूरा रैप करा लेते हैं, बाद में भैया अभी कट करके देंगे हमें, तब हम उसको खाते दिखाएंगे। ये है हमारा टिक्का शेजवान राइट? ये वाला कौन सा है? शाही पनीर। शाही पनीर बढ़िया, और यहाँ रश है थोड़ा सा, भैया अकेले करते हैं सारा काम तो दोस्तों इसलिए थोड़ा सा। हाँ ये आपने बिल्कुल सही करा, कंफ्यूजन नहीं होगी ना। बिल्कुल सही, पैकिंग में करके देते हैं, अभी तो खाली बैठे हैं इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। ये कौन सा है सर? ये कढ़ाई है भैया, कढ़ाई पनीर। बढ़िया, और ये कौन सा है? पैरी पैर। पैरी पैरी, और वो जो दो हैं वो कस्टमर्स के हैं दोस्तों, उस पर नजर मत मारिएगा। उसका रिव्यू हम डायरेक्ट भैया से ले लेंगे। चिपोटले खा रहे हो ना भैया? चिपोटले और शाही। हाँ भैया बताएंगे उसका टेस्ट कैसा है। ये कौन सा वाला है? ये शाही पनीर। शाही पनीर, एक लुक दिखा दीजिएगा सर, कैसा लगता है जरा अंदर से थोड़ा सा। हाय हाय सर, एक मिनट, गजब। और ये अब जा रहा है चिपोटले वाला। ओके ये नॉन वेज वाले हैं राइट? ये ठीक है। ठीक, तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पे बिल्कुल अलग तेल में जाके ये सिक रही हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। और ये गया चिपोटले वाला। चिपोटले बढ़िया, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा भैया से इसका भी एक गल लुक दिखा दीजिएगा अंदर से। अरे वाह, लाजवाब, थैंक यू भैया। सो आइए दोस्तों हम अपने चारों बर्गर टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। तो दोस्तों यहाँ है हमारे संग spicy.com के कस्टमर। सर मे आई नो योर गुड नेम? हाय सर, माय नेम इज भूदेव। ओके सर, आप यहाँ पे कौन सा बर्गर टेस्ट कर रहे हैं? सर ये कढ़ाई। कढ़ाई वाला है जी। बढ़िया, तो सर कैसा लगा आपको टेस्ट? इट्स क्वाइट अमेजिंग सर, एपेटाइजिंग। तो मतलब अगर आप यहाँ पे आप फिर से आना चाहेंगे? सर इट्स माय फर्स्ट टाइम, मैं एक्चुअली गुड़गांव से आया हूँ। ओह माय गॉड, गुड़गांव से यहाँ तक? या एग्जैक्टली, ओनली फॉर दिस बर्गर। अमेजिंग सर, आई वाज जस्ट स्क्रॉलिंग द इंस्टा, तो मैंने उसमें देखा ये, उसमें डिटेल्स थी यहाँ की, मेरे को पता चला। बिल्कुल सही बात, तो वैसे मैं भी दूरी हूँ। अरे बहुत बढ़िया सर, तो उसके लिए बस ये है कि टेस्ट करना था, और ये नहीं पता था कि इतना अच्छा लगेगा। बढ़िया, लाइक आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट बर्गर। परफेक्ट सर, प्राइसेस आर अमेजिंग एंड टेस्ट इज एब्सोल्युटली डिलीशियस। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट, यू मस्ट ट्राई, हाईली रिकमेंडेड। ओके सो गाइस, आपको रिव्यू कस्टमर से मिला है, मेरा रिव्यू तो बाद में काम आया। या एंड वो भी फर्स्ट टाइम, बिल्कुल सही बात। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। ओके तो गाइज, हमारे चार डिफरेंट बर्गर बन चुके हैं, जिसका नाम है पेरी पेरी, और क्या कहते हैं, तंदूरी शेजवान, शाही पनीर और कढ़ाई पनीर। मेरे संग जैसे कि आपको मैंने बताया था वीडियो की स्टार्टिंग में, आज कृष्णा भाई है, तो कृष्णा भी टेस्ट करेगा मेरे साथ और मैं भी टेस्ट करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ एक शाही पनीर का क्लोजअप, और ये देखिए आप शाही पनीर का लाजवाब सा टेस्टी सा दिखने वाला एक क्लोजअप। ये जो कलरफुल इसकी मतलब जैसे कहना चाहिए ना टेक्स्चर है, वो बहुत ही ज़्यादा मेरी भूख को बढ़ा रहा है। सो आइए इस आधे को मैं अलग करता हूँ, क्योंकि मेरे संग मेरी सिस्टर भी आई है, हम बाद में खाएंगे आराम से। और मैंने इसे बटर पेपर से निकाला, और ये शाही पनीर है, और भैया ने मुझे कहा इसमें शाही पनीर का टेस्ट आएगा ही आएगा। मैं अपनी सिस्टर से कहूँगा एक क्लोजअप और लेस का। अच्छा क्लोजअप आ रहा है मेरी बहन, बढ़िया। तो आइए पहले हमारे कृष्णा भाई को टेस्ट कराते हैं, थोड़ा स्पाइसी साइड है, मैं थोड़ा इधर से करवाता हूँ। लो कृष्णा भाई, ये
कैसा है टेस्ट में शाही पनीर? अच्छा है, और मतलब टिक्की थोड़ी सॉफ्ट भी है और क्रीमी है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और तो वेजिटेबल्स भी है बहुत। हमारे जो कृष्णा भाई है ना, मैं अपनी बहन से कहूँगा हम दोनों को फ्रेम में लेके आओ भाई एक साथ। तो कृष्णा भाई ना थोड़ा शर्मा जाता है, बट इट्स ओके टोटली। बट ये पनीर का बहुत बड़ा लवर है, मेरे से भी ज़्यादा। तो पनीर अच्छा था ना? हाँ। चलो तो अब एक बाइट मैं लेता हूँ। क्रंची पनीर, मज़ा आ गया यार। सही, मेरे से बहन ने कहा था ना शाही पनीर का हल्का सा मिठास जो होता है वो मुझे है कि सॉस में फील हो रहा है। मज़ा, एक बाइट मेरे हाथ बढ़िया। शर्माता बहुत है, कोई बात नहीं। तो ये तो था हमारा शाही पनीर का एक्सपीरियंस। बात करते हैं कढ़ाई पनीर की। तो कढ़ाई पनीर को भी आप देखिए, कलर वाइज आई थिंक इन बर्गर्स में वो खासियत है जो आपकी आंखों को सुकून दे सकती है। तो आओ भाई इसका भी हाफ पार्ट लेते हैं। कैसा है इसका भी टेस्ट? अच्छा, और इसमें जैसे कढ़ाई पनीर का टेस्ट होता है कम मीठा, मतलब और थोड़ा स्पाइसी भी है। हाँ, स्पाइसी। मैं टेस्ट करता हूँ एक बार। मिर्ची ना लगी? नहीं, मुझे लगी। लग रहा है मैंने ज़्यादा सॉस खा ली, थोड़ा स्पाइसी इसमें ज़्यादा है यार। कोई बात नहीं, कृष्णा को संभाल के खाना पड़ेगा, मुझे ज़्यादा लगी मिर्चें। इसे रखते हैं साइड में। बात आती है हमारे पेरी पेरी। पेरी पेरी बर्गर इज समथिंग, ओ माय गॉड, खुल गया। कोई बात नहीं, आप साइड का देख लीजिए आधा। मैं बहन से कहूँगा जूम कर, अगर प्रॉब्लम आ रही हो, ब्लड तो नहीं हो रहा? चलो कोई बात नहीं। इसका मैं लेता हूँ पहला बाइट, विच इज़ पेरी पेरी। स्मोकी फ्लेवर, आई लव इट। मुझे मिर्ची इसमें बहुत डिसेंट लगी। बात करते हैं कृष्णा की। कृष्णा भाई टेस्ट करो। तो मैं झूठा नहीं खाता है, मैं भूल गया। कैसा है इसमें कढ़ाई पनीर से मिर्ची कम है? बढ़िया। कृष्णा भाई ना थोड़ा शर्माता है मेरा, बट इट्स ओके यार, बच्चे शर्माते हैं। बहन मेरी कैमरे के पीछे खड़े होकर हंस रही है, तो खुद कभी नहीं आती कैमरे पर। पहली पहली यार अच्छा था, मतलब ये जो फ्लेवर्स है ना, कृष्णा इससे पहले कभी खाए कढ़ाई पनीर बर्गर, शाही पनीर या फिर पेरी पेरी? मैंने भी नहीं खाए यार। और हाथ गंदे हों दो, हाथ गंदे होने के लिए बनाया भगवान ने। अवर लास्ट इज तंदूरी शेजवान, ये देखिए। और ये मैंने इस बर्गर को आधा ब्रेक किया, बटर पेपर हटाया, और इसे कृष्णा भाई को पहले टेस्ट कराता हूँ, क्योंकि कृष्णा भाई झूठा नहीं खाते हमारे। बड़ा सा बड़ा, इधर आ जाओ कृष्णा भाई, तुम तो भाग रहे हो यार। कैसा लगा? इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा है, और इसका टेस्ट थोड़ा पेरी पेरी से थोड़ा थोड़ा सिमिलर है, थोड़ा थोड़ा सिमिलर। हाँ, और थोड़ा तंदूरी फ्लेवर भी आ रहा है। मैं भी टेस्ट करता हूँ यार। कृष्णा ने जितना बताया एक्चुअली में सच है, बट इसमें मुझे थोड़ा सा ना बटरी फ्लेवर भी लगा, थोड़ा ज़्यादा जूसीनेस लगी। और जो इसकी चटनी है उसमें थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा जैसे मोमो चटनी का भी फ्लेवर आ रहा है, पता नहीं क्यों, थोड़ा थोड़ा लगा ना। हाँ। मोमोज खाए भी काफ़ी टाइम हो गया था, वो भी खाने का सुख मिल गया मुझे इस बर्गर में। मज़ा आ गया। तो दोस्तों अगर आप कभी दिल्ली है ना, और कभी पंजाबी बाग साइड आए, या करमपुरा साइड आए, या मोती नगर साइड आए, तो शॉप देख लीजिए एक बार। spicy.com इस शॉप का नाम है। लोकेशन लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ज़रूर आइएगा, इनके डिफरेंट बर्गर ट्राई करिएगा। नॉन वेजिटेरियन है तो नॉन वेज बर्गर्स भी यहाँ पे अवेलेबल है, जो कि अलग तेल में सेके जाते हैं, तो वेजिटेरियंस को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अभी हम दो तीन कोलैब्स और करने वाले हैं, तो उन वीडियोज़ को भी देखिएगा।